हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है, आप देख रहे हो मोबाइल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज खबर आ रही है रेडमी यूजर्स के लिए, रेडमी लवर्स के लिए। जैसे आपको पता है कि शाओमी का रेडमी नोट 7 जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है, जिसने आतिशबाजी पूरी मार्केट में तबाही मचा दी थी, अब वो जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रेडमी नोट सेवन प्रो और रेडमी गो जो कि शाओमी का पहला एंड्रॉयड गो स्मार्टफोन होगा, ये तीनों ही स्मार्टफोन इंडिया में मार्च तक लॉन्च हो जाएंगे। ये अभी एक टीज़र आया है, बेसिकली अभी कंफर्म नहीं हुआ है शाओमी की तरफ से, पर हाँ ये कंफर्म डिटेल्स ही हैं कि शाओमी को जल्द ही इंडिया में लॉन्च करेगा, क्योंकि रियलमी भी अपना रियलमी 3 इंडिया में एट द फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक ले आएगी, जिसे कम्पीट करने के लिए नोट 7 प्रो को भी इंडिया में आना पड़ेगा। तो इन फीचर्स, फ़ोन की खास बात तो आप भूल जाओ, सिर्फ इसमें एक खास बात है कि इसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि अपने आप में एक यूनिक फीचर है। अगर हम नोट 7 की बात करें तो इसमें आता है सैमसंग का IOSLGM सेंसर, जो कि 48 मेगापिक्सल का है, पर उसमें बेसिकली 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो क्लिक होती है, जो कि 48 मेगापिक्सल का व्यू देती है। रेडमी नोट 7 प्रो में आता है सोनी का IMX सेंसर, जो कि होता है अपना IMX सेंसर है, जो कि IMX 586, जो कि ओरिजिनल 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि हमें बड़े बड़े फ्लैगशिप जैसे कि हुआवे ऑनर 10 प्रो में मिलता है और वन प्लस सिक्सटी में तो नहीं आया ये, अब तो फिलहाल ऑनर के फ़ोन में ही आया है, जो कि V20 है। तो ये भी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो बस दोस्तों, आप इंतज़ार करो फ़ोन आपको, अगर रेडमी नोट 6 प्रो लेना वो भी अच्छा फ़ोन है, उसके भी प्राइस इस समय 13,000 पे चल रहा है, वो लेना है वो भी ले सकते हो, प्राइसिंग इसकी होगी 15,000 के आसपास। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू।